नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं DHD न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर के मंडल में केंद्र प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं, जो आज कोकर में भी प्रशिक्षण जो है वो चलाए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मृत्युंजय जी हैं, जो कि सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी हैं। ये बताइए मृत्युंजय जी, ये जो प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं, इसमें क्या क्या होता है? अब देखिए, एक रूटीन प्रशिक्षण शिविर है जो प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के लिए होती है। इसमें विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न विषयों में कई सारे ऐसे विषय हैं जो भाजपा के इतिहास से लेकर, हमारी कार्यशैली से लेकर, और एक विषय जो अभी हम लोग ले रहे थे सोशल मीडिया का, उसे भी इंक्लूड किया जाता है। और इसमें कार्यकर्ताओं को हर तरीके से सक्षम बनाने की, सजग बनाने का एक प्रयास है जो वार्षिक रूप से किया जाता है। वार्षिक रूप से किया जाता है, मतलब ये कोई चार्ज होता है? नहीं, ये एक प्रशिक्षण शिविर है जो रेगुलर प्रशिक्षण होता है, कोई एक बार का ही प्रशिक्षण नहीं है, क्योंकि नए कार्यकर्ता जुड़ते रहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें होती है इस प्रशिक्षण में, क्या क्या आप सिखाते हैं? प्रशिक्षण में कई प्रकार के विषय होते हैं। जैसे कोई भी अगर बीजेपी का सदस्य है भाजपा का, तो हमें सबसे पहले भाजपा के इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। ये पार्टी की विचारधारा क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एज अ पॉलिटिकल वर्कर, एज अ बीजेपी कार्यकर्ता, हम किस प्रकार से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, उस बारे में मुझे पता होनी चाहिए। मेरा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए, मुझे नई चीज़ों की जैसे सोशल मीडिया की जानकारी होनी चाहिए। तो इन सारे विषयों के बारे में हम बात करते हैं अलग अलग सत्रों में। आज जो आप क्लास ली, इसमें क्या बेसिक क्या चीज़ें थी जो आप लोगों से साझा कर रहे थे? आज हम लोग बात कर रहे थे सोशल मीडिया के उपयोग पर, क्योंकि सोशल मीडिया आप सभी को पता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल हो चुका है आज के दिन में, पॉलिटिक्स में, अदरवाइज भी। तो प्रत्येक कार्यकर्ता को हमारा प्रयास रहता है कि वो सोशल मीडिया पे हर तरीके से सजग भी हो और सक्षम भी हो उसके इस्तेमाल करने में और उसका सही इस्तेमाल करने में। तो इसी के लिए आज ये सेशन था। तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूँगी कि आज जो प्रशिक्षण मैडम यहाँ पे हो रहा है, ये जैसा कि मृत्युंजय जी ने बताया कि सोशल मीडिया पे आज क्लासेस हो रही थी, इसके बारे में बताइए क्या आप लोगों ने? नहीं, आज अभी का जो क्लास था वो सोशल मीडिया पे था, जो कि जैसा कि मृत्युंजय जी बता रहे हैं कि सोशल मीडिया का हम लोग कैसे अधिक से अधिक जनता तक पहुंचने में उपयोग कर पाएंगे। तो चाहे वो व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर फेसबुक हो, फेसबुक में हम कैसे लाइव वीडियो आएंगे, फेसबुक में हम कैसे अपनी बातों को रिकॉर्ड करके जनता के बीच में पहुंचाएंगे। तो ये अपने विचारों को, अपनी बातों को बहुत ही सहज और सरल तरीके से बिना कुछ खर्च किए हुए हम जनता तक पहुँच पाएँ और जनता को अपने साथ ले पाएँ, ये अभी का विषय था। ये जो प्रशिक्षण हो रहा है, ये कितना उपयोगी होता है? हमारा ये प्रशिक्षण सभी कार्यकर्ता के लिए बहुत ही उपयोगी है, जो नए जुड़े हैं उनके लिए भी और पुराने कार्यकर्ता के लिए भी, चूँकि समय बदल रहा है। पहले हम लोग अखबार और अदर माध्यम से जुड़ते थे, अभी जब से ये स्मार्टफोन आया हम लोग फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ते हैं। तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको कि जानना आवश्यक है, और चूंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमें अपने बच्चों से सीखने की आवश्यकता, और अब हम सीख भी रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अपनी बातें पहुंचा सकें। और ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा भी है, जो भी अभी हमने सीखा इससे हमें आगे के दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। 2 दिवसीय प्रशिक्षण जो है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है, और मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आप, अच्छा ये बताइए मुझे, जैसे कि मृत्युंजय जी ने कहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी जुड़े हैं, ऐसे नए लोग कौन हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं? ऐसे यहाँ पे कोई इनमें से कोई है जो नए जुड़े हों? जुड़ने का कारण क्या था, क्यों जुड़े? कार्य करना चाहते हैं, कुछ हा? देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बताइए, कुछ करना चाहते हैं? क्या, जैसे क्या करना चाहते हैं? सेवा, सेवा, समाज सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, क्या सीखे यहाँ पे 2 दिन से जो प्रशिक्षण हुआ इसमें? यही कि सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है, कैसे अपना विचार को साझा करें सोशल मीडिया में, कैसे इसका उपयोग करना है। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं तब से, क्या कोई बात है क्या? अब सब सीख रहे हैं, कुछ नई चीज़ सबके साथ साझा हो रही है, तो खुशी की बात है। क्या सीखे हैं आप, ये बताइए।
पोस्ट को कैसे शेयर करना है, लोगों तक पहुंचना है, सरल भाषा का उपयोग करना है। अब देखिए क्या है, बहुत सारे लोग हैं वो इस जनरेशन से है नहीं, उनके लिए बहुत सारी नई चीज़ें हैं, तो उनको बताना ज़रूरी है कि अब आप बहुत कम समय खर्च करके बहुत ज़्यादा लोगों के पास कैसे पहुंच सकते हैं। नए जनरेशन के लोग तो नई चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो पुराने जनरेशन के लोग हैं वो नई चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, तो उसको कैसे पहुंचाएंगे, उनको कैसे बताएंगे? अगर आप सीखें यहाँ पे, तो अगर आपको बोला जाए कि कोई सीनियर सिटीज़न को आपको समझाना है, ये आप कैसे करोगे? सबसे पहले तो उनके पास फ़ोन होना चाहिए। अब अगर वो कुछ सीखने के इच्छुक हैं और अगर मेरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमारी पार्टी की भी यही विचारधारा है कि सबसे पहले हमें मदद करना है। मतलब आप सेल्फ लास्ट हैं और सामने वाले फर्स्ट हैं, तो कोई अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले तो टॉप प्रायोरिटी में उनको लेना है कि आप क्या नहीं समझ पा रहे हैं। आपको अगर पोस्ट पढ़ने में परेशानी है, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको पहले जुड़वाना है। बीजेपी का जो भी अगर मंडल का ग्रुप है वहाँ जुड़वाना है, केंद्रीय ग्रुप है, प्रदेश का ग्रुप है वहाँ जुड़वाना है। और उसके बाद जैसे हमारे सोशल मीडिया प्रभारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। आज एक काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये शिविर चल रहा है, तो इसके बारे में जानकारी दिया, जो लोग जुड़े हुए हैं वो उससे पढ़ पा रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ दीदी हैं, उनको नहीं पता है, उनके पास फ़ोन है, तो उनकी मदद कर दिया कि नहीं दीदी देखिए इस तरीके से होता है। आज मतलब हम लोगों को यही बताया गया कि पहले आप सीखिए फिर सामने वाले को बताइए। चेन चलते रहना चाहिए, द चेन शुड नॉट ब्रेक।